सीएम चेहरे को लेकर एमपी में सियासत तेज, मुख्यमंत्री पद से शिवराज हुए बाहर, क्या प्रहलाद पटेल होंगे एमपी के अगले सीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ट्रेंड न्यूज पॉलिटिकल बाइट, मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम आज की सच पर। और दर्शकों, इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे शिवराज मामा के उस ट्वीट की, जिसके बाद से ही मध्य प्रदेश की राजनीति पर एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने अब तक मध्य प्रदेश में अपना कोई सीएम तय नहीं किया। बताया जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर मोहर लग सकती है और दोबारा से शिवराज सिंह चौहान यहां पर चुनाव जीत के आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर सिंधिया भी आए थे और सिंधिया का यह कहना था कि शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं की वजह से ये मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीते हैं और शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं यहाँ पर सीएम की बागडोर संभालना चाहिए। लेकिन अब सीएम शिवराज के एक बयान के बाद से यहाँ पर पूरे राजनीतिक जो मायने है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह का एक ट्वीट ये बता रहा है कि शायद अब वो वापसी नहीं करेंगे और उनकी जगह कोई और ही सीएम बनकर आएगा। दर्शकों, आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान एक बयान देते हैं और एक इनका ट्वीट आता है, दोनों के मायने ही अलग अलग निकलते हैं। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का एक बयान आया और उस पर बोले, मामा और भैया से बड़ा कोई पद नहीं, मेरे भांजे भांजियों, मुझे लगता है कि हर एक को कैसे मैं सीने से लगाऊं, कैसे उनका माथा चूमूं और उनको प्यार करूं, उनकी जिंदगी में कैसे बेहतर बन पाऊं। 24 घंटे केवल एक ही सोच दिमाग पर रहती है कि मैं अपने परिवार के साथ में कैसे रहूं। मामा और भैया से बड़ा जो पद है उससे बड़ा पद मुझे कोई और नहीं लगता। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के मायने ही कुछ और निकलते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी मुख्यमंत्री चुनाव जीतने की जो है जरूरत से ज्यादा समय हो गया और अब तक वहां पर सीएम चेहरा नहीं बताया गया। वहीं दावेदार कई हैं, ऐसे में माथापच्ची भी उतनी ही ज्यादा देखने को मिल रही है और अब तक कोई भी यहां पर नाम नहीं निकल कर आया। वहीं इस सीएम रेस में सबसे प्रबल दावेदार वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया जा रहा था, लेकिन वह समय समय पर खुद को अपनी दावेदारी को नकारते हुए दिख रहे। कुछ ही घंटों पर शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर राम राम लिख दी, जिसके अलग अलग मायने लगाए जा रहे। कहा यह जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश की कमान नहीं संभालेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से अपने ट्विटर हैंडल पर राम राम लिख लिया, तो उसके मायने ये लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान अब सीएम रूप पर नहीं देखे जाएंगे और उनकी जगह कोई दूसरा दावेदार आएगा जो इस कुर्सी पर बैठेगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान चुनाव से पहले यह कहते नजर आए कि मामा चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। लगातार शिवराज सिंह चौहान खुद की दावेदारी को लेकर जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान खुद भी नहीं चाहते हैं कि वो यहां पर सीएम की कुर्सी पर बैठे। लेकिन चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने जो दम दिखाया चुनाव में, वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को इस पूरे चुनाव पर दिलचस्पी है। लेकिन उसके बाद से, यानी कि चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही, जब तक यहां पर कोई सीएम चेहरा नहीं बताया गया, उस बीच शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ट्वीट कर डाले, कई बड़े बयान दे डाले, जो ये बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की शायद अब वो दिलचस्पी, वो रुचि नहीं रही राजनीति पर। इसके साथ ही दर्शकों, आपको बता दें कि अब भारत जैसी संस्कृति के राम राम के दो मतलब भी निकाले जा रहे हैं। अगर कोई शख्स अपनी विदाई ले रहा होता है तो कहना चाह रहा है और कहना चाहता है कि राम राम, वहीं तब ऐसे में राम राम वो कहता है। वहीं कई बार सामान्य अभिवादन में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो इस समय क्योंकि मुख्यमंत्री चुनने की बात चल रही है और उस बीच जानकार शिवराज सिंह मैसेज के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्हें हाईकमान का फैसला सुना दिया गया है और हाईकमान ने तय कर दिया है कि आप यहां पर जो है मुख्यमंत्री बनकर नहीं आ रहे, इसलिए उन्होंने राम राम लिखा। इसके दोनों ही पहलू निकाले जा रहे हैं, एक तो यहां पर राम राम का मतलब जाने की बात बताई जा रही है, वहीं दूसरा कि जब कोई आता है तब भी यहां पर राम राम करता है, एक दूसरे से मिलते हैं तो भी राम राम करता है। आपको बता दें कि वैसे शुक्रवार को भी शिवराज सिंह चौहान की प्रहलाद सिंह पटेल के साथ भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। उस तस्वीर पर वैसे ही तो प्रहलाद सिंह बीजेपी के जीत के लिए शिवराज सिंह को बधाई देने के लिए गए थे, लेकिन जीत के इतने दिनों बाद बधाई संदेश लेकर जाना कोई हैरान करने वाली बात रह गई थी। वही उसी समय कुछ जानकारों का मानना रह गया है कि यह तस्वीर असल में सत्ता परिवर्तन का बड़ा संकेत जताती है। उसके ऊपर अब शिवराज सिंह राम राम लिखना, इस पर अटकलों का बाजार और ज्यादा तेज हो गया और सोने पे सुहागा वाली बात हो गई।
एक तरफ यहां पर शिवराज सिंह चौहान के जाने की अटकलें लग रहे हैं, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान का ये राम राम कहना ये कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि शिवराज सिंह चौहान अब जाने वाले हैं। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी मध्य प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री का ऐलान कर सकती है, इसको लेकर यहां पर लगातार बातें तेज, और आज रविवार को यह तय होना है कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों पर आखिर कौन कौन से सीएम कहां कर पर बैठेंगे, और इसको लेकर चर्चाएं लगातार तेज है। वहीं उसी दिन विधायक दल की बैठक होने जा रही है, और बैठक दल होने के बाद से ही अब मोहर किसी भी चेहरे पर लग सकती है, और अब पुराने भरोसों के कायम लगाए जा रहे हैं और नए दावा चले जा सकते हैं। दर्शकों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अब तीनों ही राज्यों पर कहीं ना कहीं नए चेहरे पर दाव खेलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि अब तीनों ही राज्यों पर जहां पर उनकी भारी बहुमत के साथ जीत हुई है वहां पर कोई नया चेहरा उतर कर आए। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान एक पुराना चेहरा हो चुके हैं और मध्य प्रदेश की कमान संभालने के लिए कोई नया चेहरा लाना चाहते हैं। उधर राजस्थान को लेकर अटकलों का बाजार तेज है कि वहां पर वसुंधरा राजे भी पुराना चेहरा हो गई और बाबा बालकनाथ एक नया चेहरा बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ को यहां पर उतारा जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ की जो है मैदान पर यहां पर रेणुका सिंह को उतारा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार शायद यह तय कर चुकी है कि इस बार तीनों ही राज्यों पर नए चेहरे पर दाव खेला जाएगा। इसका सीधा असर बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि यहां पर नए चेहरों पर अगर दाव खेले जाते हैं तो जनता अपने नए नेता से ज्यादा जुड़ती है और वो ये संदेश देगी कि इनको ही वोट दिया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी जीते। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व कार्ड खेलना चाहती है, और लगातार जिस तरह से राजस्थान पर बाबा बालकनाथ को लेकर चर्चाएं तेज हैं, कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ हिंदुत्व कार्ड का मुख्य चेहरा बताया जा रहा है, और ऐसा ही एक नया चेहरा अगर यहां पर मध्य प्रदेश में उतारा जाता है तो हिंदुत्व कार्ड यहां पर पूरी तरह से खेलता हुआ नजर आएगा। और कई बार देखा गया है कि हिंदुत्व कार्ड पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ चुनाव बटोरती है, और ये बार बार देखा गया है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस प्रकार से यहां पर शिवराज सिंह चौहान अपना बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर बताता है कि शिवराज सिंह चौहान अब ये जान चुके हैं, या फिर उनके नजर में या फिर उनके जो है जानकारी में बात आ गई है कि आला कमान अब सीएम की रेस पर उनको नहीं उतरना चाहता और वो खुद इस रेस से बाहर होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको यह एहसास हो गया है कि वो खुद सीएम नहीं बन पाएंगे, और ये अभी से नहीं बल्कि चुनाव के पहले से भी देखा जा रहा था कि मामा यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं वो चुनाव में नहीं उतर सकते, क्योंकि एक उनका बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, मामा चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। उस वक्त इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को ये जानकारी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, कांग्रेस पार्टी आएगी, इस वजह से उन्होंने कहा। लेकिन अब उसके असली मायने कहीं ना कहीं निकल कर आ रहे हैं, और ये साबित हो रहा है कि वो ये बता रहे थे कि मामा जाएगा तो याद आएगा, मतलब बीजेपी पर रहेगा लेकिन सत्ता की कमान पर नहीं बैठेगा। तो कहीं ना कहीं ये बयान, ये ट्वीट ये दर्शाते हैं कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान अब दोबारा से राजनीति की जो है मध्य प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठने वाले। दर्शकों अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ट्वीट कर दिया, इनके साथ कई नेताओं ने इस प्रकार की जो है बातें कही, और ऐसे में सिंधिया का भी बड़ा बयान आया था, और सिंधिया ये बोलते नजर आए थे कि शिवराज सिंह चौहान की जो योजना है लाडली बहना योजना, उसकी वजह से मध्य प्रदेश में जीते। तो कुछ नेताओं का ये मानना है कि शिवराज सिंह चौहान एक बेहतर ऑप्शन होंगे दोबारा से सीएम बनने के लिए, तो वहीं कुछ का ये मानना है कि शिवराज सिंह चौहान को अब राजनीति से यानी कि मध्य प्रदेश के सीएम कुर्सी से संन्यास ले लेना चाहिए और दूसरे नेता को यहां पर मौका देना चाहिए, जिससे कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी दोबारा से वर्चस्व की लड़ाई पर जीत जाए। वहीं दर्शकों आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर लगातार सबके बयानबाजी तेज है, और अब देखना यह भी होगा कि आखिरकार आला कमान मध्य प्रदेश की सीट पर किसको तय करता है। शिवराज सिंह चौहान जाने के बाद क्या वो सिंधिया होंगे जो यहां पर वो कमान संभालेंगे, या फिर कोई अन्य नेता होगा जो मध्य प्रदेश की कमान संभालता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों पर दाव खेलना चाहती है और नए चेहरे के तौर पर यहां पर आकर किसको उतारा जाता है। सिंधिया क्या वो नया चेहरा होंगे या फिर कोई अन्य नेता, आप अपनी राय दर्शकों नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।